दोस्तों आज हमारे हाथ में जो फाइनली आप फोन देख पा रहे हैं जो हमारे यहाँ पे सामने रखा हुआ है, तो दोस्तों ये है सैमसंग का J5 यानी कि सैमसंग गैलेक्सी J5। तो गाइस इसमें जो है FRP लॉक लगा हुआ, गूगल अकाउंट लॉक, ठीक है, गूगल लॉक, जीमेल लॉक जो भी कहिए, तो ये लगा हुआ है। मैं आपको फाइनली चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें जीमेल अकाउंट लॉक लगा हुआ है कि नहीं। नहीं, FRP बाईपास हम करके आज आपको दिखाएंगे इस फोन को भी विदाउट लैपटॉप विदाउट पीसी, ठीक है। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, अगर जरा से भी वीडियो स्किप करिएगा तो आपका मोबाइल यहाँ पे जो है FRP अनलॉक नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, जो आप यहाँ पे देखिए इसमें FRP लॉक लगा हुआ है, ठीक है ना। तो गाइस मैं जैसा करूँगा सेम टू सेम आपको सेम टू सेम वैसा ही करना होगा दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको चेक करा दिया, यहाँ पे देखिए ये FRP लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले आप पूरा स्क्रीन पर आ जाइए बैक करके, जहाँ पे स्टार्ट नाउ लिखा है, देखिए यहाँ पे जो बीच वाला बटन है इसको 4 से 5-6 बार एक साथ आपको लगातार प्रेस करना है, जो बीच वाला स्क्रीन का बटन है, ठीक है, उसको 5-6 बार लगातार प्रेस कीजिए। वहाँ देखिएगा आप जो है वहाँ पे अपना टोल बैग आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। टोल बैग थोड़ा सा यहाँ पे आप जो है समय लीजिए, देखिए यहाँ पे जैसे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा। आपको यहाँ पे L बनाना होगा, L, देखिए जैसे मैं L बना रहा हूँ, बड़ा वाला L, जैसे बड़ा वाला आप L बनाएंगे, यहाँ पे टोल बैग सेटिंग दिखाई देगा आपको, यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। टोल बैग सेटिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब गाइस आपको एक बात यहाँ ध्यान देना होगा, आपको डबल यहाँ पे प्रेस करना होगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम बता देता हूँ, ये दो उंगली होता है ना, दोनों उंगली का आपको सेम एक बार में प्रेस करना होगा, देखिए जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि आपका टोल बैग जो है ऑन रहेगा। तो हम पहले पुराना वाला आपको मेथड चेक करा देते हैं। तो पुराना वाला मेथड देखिए यहाँ पे बोल रहा है योर सिक्योरिटी हैज़ बीन डिसलाइनड सिक्योरिटी रीजन, तो पुराना वाला मेथड इसमें काम नहीं करेगा बिल्कुल। 2023 का लेटेस्ट एकदम आपको बता रहा है, एकदम बिल्कुल जो परमानेंट ये वर्क करेगा आपका, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ गाइस यहाँ से ऑन कर लेना होगा ध्यान से, आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ ऑन करना होगा, देखिए यहाँ पे सेटअप, देखिए यहाँ पे जो सिंगल सेटअप है इसको भी ऑन कर दीजिएगा, और एक्सप्लोर टच अगर बंद रहेगा तो उसको भी ऑन कर दीजिए। सिंगल टैप एक्टिवेशन को ऑन कीजिए, और एक्सप्लोर वाइट टच भी अगर ऑफ है तो उसको भी ऑन कर देना होगा। अब आपको सबसे ऊपर आ जाना है, डबल फिंगर का उपयोग करना है, भी आपको देख लीजिए टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग है, जो कोने में को सेटिंग का आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर जैसे क्लिक कर देंगे आपको दूसरा नंबर में भी देखना है सैमसंग 4 सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच, इस पर फिर से क्लिक कर दीजिए। अब आपको वर्जन जो दिख रहा है, वर्जन यहाँ पे जो कुछ नंबर दिख रहा है 2015 वगैरह, इसके ऊपर डबल ट्रिपल 4 बार आपको क्लिक करना होगा। गाइस एकदम वीडियो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। आप वीडियो में बने रहिए, जरा से भी इसकी मत कीजिए, इस बक्से को भर दीजिए। अब आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे डबल उपयोग करना है भी डबल फिंगर का। तो देखिए यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी ऐप जो है इसे अपडेट करने के लिए बोला, तो पहले खाली बक्से को भर लीजिए, जो आपको खाली बक्सा दिख रहा है आप इसको भर लीजिए, उसके बाद अपडेट पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा, आप ओके मांगेंगे ओके कर दीजिए आप। तो देखिए आपका यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी ब्राउजर है आपका, ये जो है ऑटोमेटिक, सॉरी ये आपका सैमसंग गैलेक्सी, हाँ ये सैमसंग गैलेक्सी है, ये ऐप बोलिए या जो भी बोलिए, ठीक है, ये सैमसंग गैलेक्सी ब्राउज़र ही है उसका, समझ लीजिए। अभी आपका अप टू डेट हो रहा है, ठीक है। तो गाइस तो मैं थोड़ा सा जो है फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ आप लोग के लिए, ताकि वीडियो गाइस आप बिल्कुल ना फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है ना। हम आप लोग के लिए जेन्युइन वीडियो के साथ बिल्कुल भरोसा भी लिया। तो गाइस तो ये देखिए इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिक बैक हो जाता है, फिर से आपको वहीं पर क्लिक करना 2015 वाला जहाँ पे कोड वगैरह कुछ लिखा हुआ, इस पर 2 बार 3 बार आप प्रेस कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आपको प्रेस करना कीजिए, जब तक यहाँ पे कुछ इंटरफेस आपको चेंज ना दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है, अब आपका जो है सैमसंग गैलेक्सी स्टोर है, ये देखिए अप टू डेट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ओपन हो गया। अब देखिए जो सेटिंग बार है, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो अपना टोल बैक है गाइस उसको सस्पेंड करना है, आपको यहाँ से पूरा काटना नहीं है। तो जो वॉल्यूम अप डाउन है देख लीजिए बाएं तरफ जो रहता है, उन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा आपको ओके कर देना, देखिए यहाँ पे सस्पेंड टोल बैक लिखा हुआ है, ओके कर दीजिए। टोल बैक फिलहाल आपका सस्पेंड हो गया, आपको सिंगल बटन का काम करना होगा। आप सिंगल बटन से काम कीजिए, अभी आपको सिंगल बटन से आपको यहाँ पे मतलब आपको सिंगल आप जो क्लिक करेंगे उसमें आप काम करेगा। तो यहाँ पर आपको सैमसंग ब्रो सर्च मारना, देखिए सैमसंग ब्रो जैसे सर्च मारेंगे सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर आ जाएगा, सबसे ऊपर वाला जो आपको सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर है गाइस उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसको आप जो है फाइनली इंस्टॉल करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए इंस्टॉल का भी हम प्रोसेस बता देते हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पर आपको अप टू डेट वाला ऑप्शन देगा, क्योंकि आप पहला बार कर रहे हैं तो अप टू डेट मांगेगा आपसे, क्योंकि फ़ोन आपका हार्ड रिसेट किया हुआ। तो उस बक्से को भर दीजिए, उसके बाद लेटर पर आप क्लिक कर दीजिए, आप लेटर पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो है ये यहाँ पे अप टू डेट होना शुरू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अप टू डेट हो रहा है, तो आप उसको अप टू डेट होने देते हैं गाइस। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राजधानी टेक चैनल को, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ भरोसा भी देते हैं गाइस। तो देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है आपका जो है सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर, इसको अप टू डेट होने दीजिए। अप टू डेट जैसे होगा हम थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं वीडियो को आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग गाइस जरा सा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अगर आप लोग स्किप कीजिएगा तो आपका मोबाइल यहाँ पे FRP अनलॉक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका फोन यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दे दिया सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर का, आप इसको ओपन पे क्लिक करेंगे हम फाइनली, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे पहले आप आपको ओपन पे क्लिक कर देना होगा, आप सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। एक मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ गाइस, तो इस पर हम फाइनली ओपन पे क्लिक कर देते हैं।
ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे गाइस, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिर सेटअप ओपन करना होगा, मोर पे क्लिक करना होगा, फिर आपको हम गाइस आपको सेटअप बाय सेटअप समझाते हैं, अभी स्किप मत कीजिएगा। मोर पे कनेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप गाइस यहाँ पे दो चीज़ आपको सर्च मारना होगा, देखिए एक चीज़ एड रूम, देखिए ADDROM एड रूम, आप देख लीजिए, चाहे वीडियो का भी यहाँ पे थोड़ा सा स्लो करके भी आप देख लीजिएगा एड रूम। देखिए मैं स्पेलिंग भी बता देता हूँ आपको, ADDROM एड रूम, एड रूम की जो पहली वाली वेबसाइट है आप उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। यहाँ से गाइस हमको दो ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, वो दोनों ऐप हमको फाइनली यहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है थोड़ा सा। तो आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है ना यहाँ पे ज़्यादातर वाईफाई का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपका वाईफाई का सिस्टम काम नहीं करता, तो यहाँ पे ज़्यादातर आप सिम ही लगाइएगा, सिम ज़्यादा बेटर काम करता है। आपको यहाँ पे जो है गाइस एंड्रॉयड 6 वाला आपको डाउनलोड करना होगा, देखिए एंड्रॉयड 6 जो गूगल APK है जिसमें लिखा हुआ है, एंड्रॉयड 6 GAM APK जो लिखा हुआ है, ठीक है आप उस पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए 10 से 12 सेकेंड, देखिए अब डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड कर लीजिए उसको। अब गाइस हमको एक और ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, FRP बाईपास, देखिए जहाँ पे लिखा हुआ, देखिए FRP बाईपास, इसको हमको डाउनलोड करना होगा। हमको दो ऐप की ज़रूरत है, हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल डाउनलोड करके भी दिखा रहे हैं, हम पहले से डाउनलोड आप लोग के लिए नहीं कर रखे हैं कि आप कहेंगे डाउनलोड होता नहीं है, ये नहीं है, ये वेबसाइट काम नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रॉपर इस वेबसाइट काम करता है। तो गाइस ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे FRP बाईपास वाली ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। तो 10 सेकेंड मैंने वेट कीजिए, 10 सेकेंड में अगर नहीं आता तो फिर दोबारा आपसे प्रेस करिए, उसे डाउनलोड वाला ऑप्शन में लिखिए, फिर से उसके ऊपर क्लिक कीजिए आप एक बार, फिर 10 सेकेंड वेट कीजिए, देखिए क्या होता है। डबल ट्रिपल वे ज़्यादातर आप क्लिक नहीं कीजिएगा ना, तो जो होता है ना कभी कभी, हाँ तो देखिए यहाँ पे आपका FRP बाईपास वाला डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, आप डाउनलोड पर जो है फाइनली क्लिक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग डाउनलोड वाला हो गया, जैसे आपका यहाँ पे डाउनलोड हो गया, अब देखिए यहाँ पे ओपन फाइल का आपको ऑप्शन दे दिया गया होगा। अब जैसे ओपन वाला फाइल पर आप करेंगे तो देखिए आपका अब डाउनलोड वाला मैनेजर में आप आ गए। अब एंड्रॉयड 6 को आप डाउनलोड कर लीजिए फाइनली, नहीं हमने मतलब यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल अकाउंट मैनेजर को इंस्टॉल कर लीजिए। तो देखिए ये फाइनली यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, जैसे इंस्टॉल हो जाए डाउन पे क्लिक कर दीजिए, FRP बाईपास आपको जहाँ जो APK था उसको भी आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये भी आपका FRP बाईपास वाला ऐप जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है फाइनली, इसको होने दीजिए आप इंस्टॉल। तो जैसे अभी आपको डन पे क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए जैसे आपको यहाँ पे रिटाइप पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो ये हो सकता है आप वहाँ 3 डॉट लाइन पे क्लिक कर दीजिए, या आप नीचे में जो उसका जो बैक वाला बटन है आप उसको प्रेस करके रखिए, देखिए यहाँ देखिए जैसे मैं प्रेस करके रख रहा हूँ, इसको भी प्रेस करके रखिएगा तो ब्राउज इन साइन इन वाला ऑप्शन आएगा, आप ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे अपना जो है अपना न्यू जीमेल या फिर पुराना जीमेल जो भी आपका आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जीमेल भी डाल देंगे और आपको यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देंगे, तो ये चीज़ गाइस आपको हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन के जो है उसका गाइडलाइन के खिलाफ आता है, ना जीमेल का हम आपको जीमेल दिखा सकते हैं, ना ही आपको यहाँ पे पासवर्ड दिखा सकते हैं। तो देखिएगा हम जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे स्किप किए हुए आप लोगों के लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किए हैं, ठीक है ना, सब जगह नहीं किए ना तो आप समझ नहीं पाएंगे। फाइनली यहाँ पे जीमेल डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप, देखिए ये नेक्स्ट वाला आपको सेटअप यहाँ पे कंप्लीट होने देना है। देखिए यहाँ पे साइन इन यहाँ पे कुछ बोल रहा है आपको, दिस टेक 5 मिनट, तो यहाँ पे हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको फ़ोन को यहाँ से साइड से फाइनली रिबूट कर देना होगा। देखिए जैसे ऑन ऑफ वाला बटन होता है ना, उसको आप चाप के रखिए, देखिए जैसे आप चाप के रखेंगे यहाँ पे रिस्टार्ट वाला ऑप्शन आएगा, उस पर आप जो है क्लिक कर दीजिए, फाइनली अपना फ़ोन को आप रिबूट कर दीजिए। फिलहाल रिस्टार्ट जिसको बोलते हैं, हार्ड रिसेट नहीं, रिबूट। तो ये आपका जो यहाँ पे रिबूट हो रहा है, जब तक रिबूट हो रहा है गाइस तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। हम लोग जो यहाँ पे ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं गाइस प्रैक्टिकल करके, वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी भी हो जाए ना गाइस तो यहाँ पे जो है आप अपना फ़ोन को यहाँ से FRP अनलॉक करके ले जाएंगे गाइस। हम लोग जेन्युइन वीडियो बनाते हैं, फेक वीडियोज़ हम लोग चैनल पर नहीं बनाते हैं, और बहुत लोगों का काम इसलिए नहीं करता है गाइस, हम बता देते हैं थोड़ा सा, बहुत लोगों का काम वीडियो नहीं करता है इसलिए क्योंकि लोग जो है यहाँ पे चैनल मतलब सॉरी वीडियो को जो है स्किप कर करके देखते हैं गाइस, तो इसीलिए जो उसका कुछ ना कुछ मेथड छूट जाता है जो हम वीडियो में बताते हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, अगर वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो गाइस आपका अभी मोबाइल जो यहाँ पे FRP अनलॉक नहीं होगा, फिर बाद में आप हमको कमेंट में नहीं बोल सकते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा। तो देखिए हमारा फ़ोन जो है फाइनली यहाँ से रिबूट होगा, ओपन हो गया है। तब आपको जो बीच वाला बटन है इसको 3-4 बार गाइस आपको चापना होगा, देखिए जो स्क्रीन के बीच में है, आपको यहाँ पर टॉल बैक को डिसेबलेट कर देना पूरी तरीके से 4-5 बार दबा के, अब आपका टोल बैक जो है डिसेबलेट हो गया। अब आपको डबल फिंगर का उपयोग, फाइनली हमारी फ़ोन यहाँ पे जो है ऑन हो गई है रिबूट होने के बाद, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, जैसे आप नॉर्मली कोई भी फ़ोन सेटअप करते हैं ना दोस्तों, वैसे आपको नॉर्मली सेटअप कर लेना, ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, यानी जिसमें आप सिम हम लगा के रखे हुए थे फ़ोन में FRP करने के टाइम में, उसमें इंटरनेट कनेक्शन आपको देके रखना होगा, या तो आप वाईफाई देके रखिए या सिम, मैं तो कहूँगा कि आप सिम ही ज़्यादातर यूज किया कीजिए क्योंकि सिम का जो इंटरनेट है वो प्रॉपर काम करता है। तो आप नॉर्मली जैसे सेटअप करते हैं ना, जैसे फ़ोन को नॉर्मली सेटअप कर लीजिए, जस्ट अ सेकंड बोला, जस्ट अ सेकंड वेट कर लीजिए आप,
मुझे उम्मीद है कि इतना आप कर ही लेंगे, क्योंकि जैसे नॉर्मल फ़ोन होता है ना गाइस, आप लोग अपने घर में जैसे सेटअप करते हैं, इसको भी आप सेटअप कर ही लीजिएगा। नोट नो मांगेगा, नोट नो वगैरह पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे पैटर्न वटन कुछ नहीं लगाना है, तो आप यहाँ पे उस बक्से को खाली कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। फिर से नेक्स्ट मांगेगा तो नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद डोंट रीस्टोर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से आपको यहाँ पर स्किप पर क्लिक करना, फिर से आप स्किप पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर जो ऑल ऑल बोल रहा है ना, एग्री टू ऑल, आप इसको खाली कर दीजिए, इसमें भी हमको नहीं लेना है अभी फिलहाल। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, डिसएग्री पे क्लिक कीजिए, क्योंकि अभी फटाफट आप लोगों को दिखा रहे हैं गाइज हम, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो में बने हुए, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ ही गए हैं गाइज, तो आपका जो FRP फाइनली है यहाँ पे अनलॉक हो चुका होगा गाइज। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, बक्से को खाली कीजिए, स्किप कीजिए, फिर से यहाँ पे आपको कंटिन्यू मांगेगा, तो यहाँ पे देखिए मॉडिफाई वाला जो है ना गोल्ड साइड में, मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए, गोल्ड साइड पे मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सारा आपको मतलब यहाँ पे अनटिक कर देना होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कीजिए, फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। जैसा फिनिश पे क्लिक कर दिए दोस्त, देखिए यहाँ पे आपका फोन जो है अनलॉक हो चुका है। हम आपको सेटिंग में जाकर दिखा देते हैं कि ये आपको जो है सैमसंग का J5 था कि नहीं, कौन सा मॉडल था, हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J5, इसको आप इसको आगे पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है गाइज। उम्मीद है कि आपका हो चुका होगा गाइज। तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।